जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स में। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वात विध्वंसन रस और उसके घटक द्रव्य और उसके उपयोगों को याद करने की ट्रिक के बारे में। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो में, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इसका संदर्भ ग्रंथ है वो है योग रत्नाकर, और इसके घटक द्रव्य अब हम याद करेंगे। तो इसके घटक द्रव्य में देखते हैं क्या क्या है। तो जो इसके घटक द्रव्यों को याद करने की जो ट्रिक हमारी बनेगी वो है कि वत्स काजल लात मारो त्रिकटु की नाव पर। तो आइए देखते हैं ये ट्रिक किस तरह से अप्लाई होगी हमारी। तो घटक द्रव्य इसके हैं हमारे शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लव भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म। वत्सनाभ की ट्रिक है यहाँ पे वत्स पारद और गंधक को जब हम मिला लेते हैं तो बन जाता है कजली, क्योंकि पीछे की हमने सारी वीडियो में लगभग बनाया हुआ है पारद और गंधक जहाँ मिला हमने उसको मर्दन करके कजली बना लिया। तो कजली का यहाँ पे काजल ले लिया गया है। और लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, इनके स्टार्टिंग के वर्ड LAT यहाँ पे ले लिए गए हैं। तो जो हमारा वत्सनाभ है सिर्फ यही आधा भाग यूज़ होता है, और जो बाकी के हमारे कंटेंट है वो है हमारे एक एक भाग यूज़ होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने बाकी के कंटेंट पे। तो बाकी के कंटेंट है हमारे पिपली, मरीच, शुंठी और नागवंग और बंग भस्म। तो ये हमारे बाकी के कंटेंट हो गए। तो पिपली, मरीच और सौंठ, इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि त्रिकटु बोला जाता है। और नागवंग को मिला के हमने ले लिया है यहाँ पे नाव पर, यानी कि नाग का ना और वंग का वा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ये कितना कितना लिया जाता है। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये भी सेम भाग ही लिया जाता है, एक एक भाग। सिर्फ हमारा वत्सनाभ है यही आधा भाग यूज़ होता है, बाकी सारे कंटेंट हमारे एक एक भाग लिए जाते हैं। तो अब जो इसकी ट्रिक बनेगी आके वो आप पहले भी देख चुके थे कि वत्स काजल लात मारो त्रिकटु की नाव पर। तो ये हमारी ट्रिक, इसको हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं वीडियो में अगले पोर्शन पे। तो अब हम देखते हैं इसका भावना द्रव्य है। तो जो इसका भावना द्रव्य है वो कई सारे हैं, त्रिकटु क्वाथ, त्रिफला क्वाथ, चित्रक रस, भृंगराज स्वरस, निर्गुंडी स्वरस, अर्कदुग्ध, ताम्लकी रस, चंद्रिका रस और नींबू रस। तो ये सारे भावना द्रव्य हैं हमारे, तो इन सभी की अलग अलग भावना दी जाती है। तो निर्माण विधि में हम देखते हैं कैसे इसकी भावना दी जाती है। तो जो इसकी निर्माण विधि है वो है पारद और गंधक को हम कजली बना लेते हैं, उसके बाद बाकी जो द्रव्य हैं उनका सूक्ष्मचूर्ण करके खल में डालकर प्रत्येक भावना द्रव्य जो हमारे ये इतने ढेर सारे हैं तो उनकी सबकी तीन तीन दिन तक भावना देते हैं, फिर एक एक रत्ती की गोलियाँ बनाकर सुखा लेते हैं। तो ये हमारा बन जाता है वात विध्वंसन रस। तो अब हम देखते हैं इसकी मात्रा क्या है। तो जो इसकी मात्रा है 250 मिलीग्राम है, और जो इसका अनुपान है, तो अनुपान में जो हमारा नॉर्मली सभी में यूज़ होता है वो है हमारा मधु। अब हम बात करते हैं इसके उपयोगों के बारे में। तो उपयोगों के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे इसका नाम क्या है। तो जो इसका नाम है वो है वात विध्वंसन रस, यानी कि जो हमारे शरीर में वात विध्वंस कर रही है, जो विध्वंस तहस नहस मचा रखी है, यानी कि जो हमारी वात प्रकुपित हो गई है, तो ये उस वात को बैलेंस करने का काम करेगा। तो उससे जो रोग होंगे तो उन रोगों को आप इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे कि ये वाताज रोगों में काम होता है इसका, और वाताज ग्रहणी है, उसके बाद कफ रोग है, सूतिका वात है, तो ये इसके उपयोग हो गए। तो इन सबको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद, धन्यवाद।